तीसरी कैटेगरी वो है, मैं कैटेगोरिकली आपके साथ बात करूं, जिसमें मैं समझता हूं कि मैं आता हूं, वो ना उनके पास इतने ज्यादा वसी उलूम होते हैं, ना ही वो फन खिताबत से इतने ज्यादा वाकिफ होते हैं। वो अगर बोल रहे होते तो किसी की निगाह के जोर में बोलते। तो मैं आज भी कहता हूं कि मेरे में कोई दम खम नहीं कि मैं बोल सकूं, ये मेरे दादे की निगाह का कमाल है और मदीने के ताजदार के जोरों का सदका है कि मुझ ना चीज में इतनी कुवत और जुर्रत आ जाती है कि मैं बैठ कर अपनी मैं बैठ कर जिक्र मुस्तफा करता हूँ। मैंने अपनी क्या गुजारिशात और मारूजात पेश करनी, क्या किद्दी और क्या किद्दी का शोरबा, मैं तो जिक्र मुस्तफा करके अपनी डिग्री को संवार रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, दुरूद, मैंने आपसे कहा कि दुरूद बढ़ चढ़ के पढ़ा दो, इसलिए कि अल्लाह करीम ने भी हमरी में अर्श में दी सब हम वक्त नबी रहमत की जाल मुबारक पढ़ दी, खुद रब करीम भी इस दुरूद में शामिल है। फिर वो जब वो खुद फरमा रहा है इन अल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लून अला नबी, हमरी में अर्श मलाइका कुर्सियों की अजीम जमात हम वक्त नबी रहमत की जात मुबारक पर दुरूद पढ़ रहे हैं। या अय्युहल लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वालों, या अय्युहल लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वालों, ईमान वालों से मुखातिब हो रहे थे, हमरी में अर्श भी पढ़ रहे हम अगर दुरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं, तो ईमान वालों तू भी जाते मुस्तफा को दुरूद सलाम पढ़ रहा। तो ईमान के लिए ईमान की मौजूदगी की दलील है नबी की ज़ात मुबारक पर दुरूद पढ़ना, क्योंकि ईमान को नाम ही होगा मुस्तफा। मेरे दोस्तों, अपने बख पर नाज करो कि रब करीम ने तुम्हें निस्बत और ताल्लुक और गुलामी अदा की शाहिद कायनात में। वो नबी, अगर मीलाद की बात करूं तो जब कायनात इस दुनिया में इस जहां आबु दिन में तशरीफ लाए तो कानून फितरत बदल गया कि बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, लेकिन मेरे मुस्तफा जब आए मखदूम भी है मकसूर भी है, आते ही सजदा करते हैं और इलाही तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि मेरी उम्मत के मकसद का दर्जा, और मुअत्तर कर दिया हर पूरे पूरे पूरी कायनात को मुअत्तर कर दिया मेरे मुस्तफा के सामने, जुल्मतों के अंधेरे दूर हुए, कुर्ब जवान में उग्र शिर्क का बाजार गर्म था, बातिल मबूदों की परस्तिश उरूज पर थी, कोई सूरज को पूज रहा है, कोई शजर और हजर को पूज रहा है, फयान की चौकियों से आमला के चांद में तुलू होकर कुल हो अल्लाह हो सलाम अला नबी, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह सलाम अला नबी, खुदा परामोश पसंदों को खुदा शनासी बना दिया हो सलाम। ये जात मुस्तफा ने जैसे हजरत अल्लामा ने आयत कुरान मुकद्दस से तिलावत फरमाई, लकद मन अल्लाह अलग मीन है इस बात सफी हिंदू सुना, यहां भी अल्लाह मोमिनीन से मुखातिब हो रहा है। अगर उसने सारी मखलूक से बात करनी होती तो मोमिनीन की जगह नास का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता। ये माशाल्लाह उलूम सरफ नाफ से वाकिफ इन दोनों हस्तियां यहां जो मौजूद हैं, मैं तो कितना ज्यादा उलूम सरफ नाफ और मंतिक से वाकिफ नहीं, लेकिन उसने फिर फरमाया लकद मन अल्लाह अलग मोमिनीन, मैंने मोमिनीन पर एहसान किया है, मोमिनीन पर एहसान किए जो मतों वाला रसूल अल्लाह, जब एहसान हो जाए ना तो फिर उस एहसान का शुक्र भी अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करने का यही तरीका है कि जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में या रसूलुल्लाह का हो और नबी के जिक्र किया जाए, चर्चे करो, इसलिए कि हम तो शुक्र बजा लाते हैं इलाही तुमने कर्म किया कि सारी कायनात को नूर मुस्तफा को कुशल कर, और फिर ये समझ लो कि फकत जात मुस्तफा वो मुनव्वर कायनात हस्ती है कि उसी के नूर की तेजी से इमान का इबादियत का मुशाहिदा कर सकते। अगर रब की रजा चाहते हो तो फकत एक ही रास्ता है कि रजा ही मुस्तफा हो, अगर रब की इदात करना चाहते हो तो उनके हुक्म खुदा की, यकीन जानो ईमान नाम ही हुक्म मुस्तफा, जिसको हुब्बे मुस्तफा मिल गया उसी का ईमान काम। तो जब बशरियत लिबास बशरियत की तकलीफ हुई ना तो अल्लाह करीम ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जाओ आराम गाह मुस्तफा से एक मिसकाल मिट्टी उठा के ले आओ कि अब मैंने अपने प्यारे महबूब का जसद दूरी तख्लीक करना है। जिब्रील अमीन आए, जब हुजरे सैयदा आयशा के हुजरे सैयदा आयशा को तशरीफ लाए जो आराम का है रसूल है, वहां आकर जब उस बात को